हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा प्लेयर ओपन सीवी के फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल ओपन सीवी इन पाइथन। लास्ट वीडियो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी ओपन सीवी के इंस्टॉलेशन की यूजिंग पीआईपी कमांड, ठीक है, जहां पर हमने पाइथन आईडीएल के लिए ओपन सीवी को रेडी किया था। लेकिन अगर हम पाइथन को यूज कर रहे हैं एज एन एडिटर, तो चलिए देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल दिस ओपन सीवी लाइब्रेरी इन पाइथन। बड़ा सिंपल सा टास्क है, ठीक है, फटाफट इसको रेडी करिए ताकि अब हम इसके बाद इमेज प्रोसेसिंग और वीडियो प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस की बात कर सकें। ओके, तो यहां पर अब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे फॉर ओपन सीवी। ऑलरेडी हमारे मैटप्लॉटलिब, पांडास, नमपाई के काफी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, तो यहां पर हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहां पर मैंने इसको नाम दिया ओपन सीवी, ठीक है, ओपन सीवी डेमो, ठीक, एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस। ओके, आफ्टर क्रिएशन ऑफ दिस, Here you can find this folder OpenCV demo. ठीक, तो यहां पर अगर हमें OpenCV library को install करना है step 1 पे, तो सबसे पहले, क्योंकि आप देखिए अगर मैं यहां पर अभी कोई नई file create भी करता हूं, तो currently my PyCharm don't have an OpenCV library. Okay, तो step 1 पे मुझे सबसे पहले OpenCV library को install करना है. So for that you have to go to this file, then go to settings. ठीक है, settings में आपको अपने project का जो भी आपने नाम रखा है, you can find this. ठीक है, प्रोजेक्ट ओपन सीवी डेमो, और यहां पर आपको जाना है पाइथन इंटरप्रेटेटर पे। तो जब आप पाइथन इंटरप्रेटेटर पे जाएंगे, तो इट शोज यू हाउ मेनी पैकेजेस और लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड राइट नाउ फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट के लिए पीआईपी है, सेटअप टूल्स है, व्हील इंस्टॉल्ड है, लेकिन मुझे इंस्टॉल करना है ओपन सीवी लाइब्रेरी। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल। बट मैं आपको पहले भी एक बात बोल चुका हूं कि जब भी आप किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करें, Please check you have an active internet connection in your machine. Because if you don't have an active internet connection, this library cannot be installed, right? So please check कर ले. Okay, तो अगर active internet connection है, then go to this install, और यहाँ पर हम search करेंगे open cv hyphen python. ठीक है, open cv hyphen Python. See this one. I'll get this third number OpenCV hyphen Python. This is what the library we need to install to work with OpenCV. ठीक है, कि अगर मुझे OpenCV use करना है for image, digital image processing, for video, for object detection, face recognition system, ठीक है, जो कि हमने introductory lecture में काफी detail में बात कर ली थी कि why we should go for this OpenCV. Okay, so here you have to select this and just click on this install package. ठीक, it takes hardly few seconds, depends on the internet speed, sometimes maybe take some time, but you will get the message here OpenCV installed successfully. See this one, package OpenCV Python installed successfully. After this just click on this cross, okay, and see this list, yahan par hame OpenCV mil raha hai, means now this package is available for my project. So ye iska version hai 4.7.0.72, right? So this is what the version we have installed, latest version. Okay, and click on OK. So this is how you can install OpenCV for PyCharm. कि अगर आपको PyCharm के लिए OpenCV install करना है, see this one. इसके बाद हम check भी कर ले. Right click, new Python file. और यहाँ पर हमने बात की test app 1, ठीक है, test application 1. तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ import CV2 is the module for OpenCV, right? तो यदि मैं लिखता हूँ CV2, okay, and then img equal to CV2 dot, so this my application is ready. I am read, these are the function, अभी हम बात करेंगे इनके बारे में, don't worry. I am read, I am write, ठीक है, I am read function, I am write function, ये क्यों use करना है? लेकिन step 1 पे आप पहले एक बार OpenCV library को install कर लें, चेक कर लें कि ओपन सीवी लाइब्रेरी को जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट CV2 मॉड्यूल को जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो देयर इज नो रेड लाइन. क्योंकि अगर ये सपोज करो मैं CV4 लिख देता हूं, तो यू कैन फाइंड सच टाइप ऑफ एन एरर. अगर आप CV2 लिखते हैं और अगर ये रेड लाइन एरर आ रही है, इट मींस करेंटली योर प्रोजेक्ट डोंट हैव द ओपन सीवी लाइब्रेरी. तो फर्स्ट यू कैन चेक, ओके, इंपोर्ट करके देखिए CV2 मॉड्यूल को. इफ देयर इज नो एरर, दैट मींस योर PyCharm इज रेडी फॉर ओपन सीवी एप्लीकेशंस. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आता हूं कि हाउ टू क्रिएट अवर फर्स्ट ओपन सीवी एप्लीकेशन रिलेटेड विद इमेज प्रोसेसिंग.
तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि किस तरीके से हमें PyCharm में ओपन सीवी को इंस्टॉल करना है। तो बने रहिए इस कोर्स में और मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में किस तरीके से हम ओपन सीवी को यूज करेंगे फॉर इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग। तो बने रहिए, खुश रहिए, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।